हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्वर्णा केमिस्ट्री क्लास। आई एम स्वर्णलता, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हमारा पार्ट थ्री है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। पार्ट वन में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसके इंट्रोडक्शन को पूरी तरह से किया, उसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और उसकी पूरी फुल डिटेल हम लोगों ने साल्ट ब्रेज, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसका फंक्शनिंग, क्या फंक्शन है, वो सब कुछ पढ़ा। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज, उसके बारे में जाना। वहां हम लोगों ने थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के कॉन्सेप्ट को भी समझा। और आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि देखिए, जब कभी भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा तो वहां इलेक्ट्रोलाइट होंगे, वहां इलेक्ट्रोड होगा। इलेक्ट्रोड हैव टेंडेंसी आइदर टू लूज इलेक्ट्रॉन और टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन की टेंडेंसी होगी, उसकी वजह से एक पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज जो है वहां डेवलप करेंगे। और जब किसी फ्लूड में अपोजिट चार्ज डेवलप करता है तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज अ सेल पोटेंशियल ऑब्टेन बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। अभी हम लोग हाफ सेल की बात करेंगे। और जब हम इसको अप्लाई करेंगे पूरे सेल के लिए, कंप्लीट सर्किट के लिए, तो वहां हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो अगर हम यहां पर देखते हैं कि एक हाफ सेल की बात अगर करें, सपोज ये जिंक है, इसकी दो तरह की टेंडेंसी, दो बार दो तरह की टेंडेंसी पॉसिबल होगी। एक तो इसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है, स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी है, वो ये कि इट इज अ रिएक्टिव मेटल, सो इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। एक तो इसकी टेंडेंसी होगी कि ये जो इसकी एक्चुअल टेंडेंसी होगी बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी, कि ये Zn2+ आयन का फॉर्मेशन करेगा, लीविंग बिहाइंड नेगेटिव चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रोड। ठीक है, यानी जिंक ने क्या किया, जिंक आयन फॉर्म किया बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जिंक मे बी, जिंक या आप यहां कॉपर भी ले सकते हो, कोई भी एक ऐसे मेटल को सिलेक्ट कर सकते हो विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर हम कॉपर को ही लेते हैं और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं सपोज, तो यहां पे क्या होगा, कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव, इट हैज टेंडेंसी, ये जो कॉपर सल्फेट का कॉपर आयन है वो यहां पर क्या करेगा कि डिपोजिट होकर के यहां सल्फेट आयन को छोड़ेगा और इस पर प्लस चार्ज जो है वो डेवलप करता चला जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पे, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन कहां से कर रहा है, इस इलेक्ट्रोड से। यहां से जिंक आयन जो फॉर्म कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इलेक्ट्रोड पे। तो क्या हो रहा है, इस वाले सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है इलेक्ट्रोड पे और पॉजिटिव आयन आ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये जो कॉपर आयन है, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि ये जो कॉपर आयन है ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है यहां से, और क्या हो रहा है, लीविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस। तो इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहां पे क्या आ जा रहा है, कॉपर डिपोजिट होता चला जा रहा है। कॉपर आयन से कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन आ रहा है इलेक्ट्रोड से बाहर की तरफ, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में आ रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे आ रहा है। यहां पर इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है सॉल्यूशन में। तो देयर इज टू टाइप ऑफ टेंडेंसी हियर। यहां पे क्या हुआ, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर डिपोजिट किया। तो कॉपर आयन कहां था, सॉल्यूशन में था, और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है कहां से, इलेक्ट्रोड, मेटल के इलेक्ट्रोड से। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर प्लस चार्ज एक्यूमुलेट करेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज, तो प्लस और माइनस चार्ज यहां डेवलप कर रहा है। ठीक है, इसको आप यहां पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन और यहां पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पे यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज। तो एक फ्लूइड में, इस इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज डेवलप कर रहे हैं। तो जहां कहीं भी दो अपोजिट चार्ज की डेवलपमेंट होती है, आइदर ड्यू टू द टेंडेंसी टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन, आइदर ड्यू टू ऑक्सीडेशन और ड्यू टू रिडक्शन, तो वहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कह सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस
the potential difference between electrode and its electrolyte at equilibrium. Is called electrode potential of half cell. अभी हम लोग हाफ सेल की बात कर रहे हैं, आइदर जहां ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर जहां पे रिडक्शन हो रही है. ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, मेटल से मेटल आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो प्लस चार्ज सॉल्यूशन में आ रहा है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे आ रहा है. अगर रिडक्शन हो रही है तो मेटल आयन से मेटल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मेटल आयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है इससे इलेक्ट्रोड से, इसलिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहां क्या जा रहा है, नेगेटिव चार्ज. तो दो अपोजिट चार्ज ऑक्सीडेशन से और दो अपोजिट चार्ज रिडक्शन से डेवलप कर रहे हैं. अब इसी पोटेंशियल अपोजिंग चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है, कहां, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल. ठीक है, तो एक टेंडेंसी क्या थी ऑक्सीडाइज करने की, तो इट इज ऑफ टू टाइप. ये जो हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये क्या होगा, ये दो टाइप का होगा. एक को बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरे को कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, जब किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी, ये दिस इज द टेंडेंसी, ये उसकी नेचर है, ये उसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करना या इलेक्ट्रॉन गेन करना, इसमें आप क्यों क्या कैसे एक्सक्यूज नहीं लगा सकते. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है कि द टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू गेट ऑक्सीडाइज, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. यानी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, यहां पे आप क्या लेंगे, एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो एनोड भी होता है, एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, to lose electron or to get oxidized is called oxidation potential. ठीक है, लेकिन अगर हम reduction potential क्या रहे, तो हम लोगों ने भी copper के example किया था, वहां क्या हो रहा था, वहां reduction हो रही थी, due to reduction भी opposite charge develop कर रहा था उस electrolyte में, तो वहां हम लोग कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, यहां पे इलेक्ट्रोड क्या है आपको, कैथोड है, एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू इट्स tendency to gain electron, or कह सकते हैं to get reduced, is called reduction potential. I think आप लोगों को clear हो गया होगा oxidation potential क्या है, जब किसी metal की tendency होगी to get oxidized, तो उस मेटल और उस इलेक्ट्रोलाइट के बीच अपोजिंग चार्ज की वजह से एट इक्विलिब्रियम स्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया. और अगर किसी मेटल की टेंडेंसी होगी टू गेन इलेक्ट्रॉन,
तो भी ऑपोजिट चार्ज डेवलप करेगा उस इलेक्ट्रोलाइट और उस इलेक्ट्रोड के बीच में, और तब उन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये तो हुई हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जब पूरे सेल को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, मान लीजिए एक डैनियल सेल को ही कंस्ट्रक्ट किए, तो एक जिंक और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप होगा और कॉपर जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, फिर दोनों वायर से कनेक्टेड होकर एक कंप्लीट सेल बनाएगा। उस पूरे कंप्लीट सेल का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो अब हम लोग उसको देखते हैं कि कैसे ये होगा। तो नेचुरली हमारे दिमाग में क्या बात आएगी कि एक पूरे सेल में एक की टेंडेंसी है टू गेट ऑक्सीडाइज, दूसरे की टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक हाफ सेल से मिला, दूसरे से रिडक्शन हाफ सेल मिला। जब दोनों को आप जोड़ देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, देन वी गेट द टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द होल सेल, पूरे सेल का। तो ये जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे आता है तब मेंटेन होता है। ठीक है, तो उस समय जो पोटेंशियल आती है वो कांस्टेंट पोटेंशियल आती है, और पूरे सेल का जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं वो इन दोनों को सम करने से निकालते हैं। बट जब डिफाइन करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल को, तो हमारा डेफिनेशन होता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। अब देखिए, अभी हम लोग कह रहे हैं कि दोनों को ऐड करने से आ रहा है, और फिर दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का। तो ये कैसे होता है, तो इसको अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे ये हो रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल होता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड एंड कैथोड। Called electrode potential of the cell. ठीक है, अब हम लोग कह रहे हैं कि ये potential दो electrode के electrode potential का difference है, और हम बोल रहे हैं कि दोनों को जोड़ने से आ रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग E cell को determine करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, oxidation पोटेंशियल एट एनोड, एनोड पे ही जो पोटेंशियल आती है दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? जब पूरे सेल का हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों हाफ सेल के पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे, देन वी गेट द सेल पोटेंशियल ऑफ द होल सेल। ठीक है, तो अब देखिए क्या आप लोग पढ़े हैं, मैथ्स पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपके पास x प्लस एक्स होता है तो बहुत इजीली इसको 2x लिखते हैं, बट अगर आप x प्लस वाई करते हैं तो क्या इसका कुछ कैलकुलेटेड टर्म आता है? नहीं आता, वो x प्लस वाई ही हो जाता है ना। तो एक मेटल की टेंडेंसी है टू गेट ऑक्सीडाइज, दूसरे मेटल की टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस्ड। दोनों तो बिल्कुल अलग अलग काम कर रहे हैं ना, अपोजिट काम कर रहे हैं, तो दो अपोजिट वेरिएबल्स हो गए। इसकी मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली, तो दोनों तो बिल्कुल अपोजिट वर्क हो गए ना। तो दो अपोजिट वेरिएबल्स को हम जब ऐड करेंगे तो वो तो उसी फॉर्म में रह जाएगा ना, वी डू नॉट गेट एनी सॉल्यूशन, हम लोगों को कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट करेंगे किसी एक ही रिस्पेक्ट में, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में या फिर रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। मतलब या तो हम x को y के टर्म में कन्वर्ट करेंगे या y को x के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हुआ ना कि IUPAC टर्म और एक कन्वेंशन आप कह सकते हो, कन्वेंशन से ये चीज कंक्लूड किया गया कि जब कभी भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे किसी भी हाफ सेल का या पूरे सेल का, तो वहां जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया जाएगा वो ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होगा। समझ में आई बात? यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यूज हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है,
रिडक्शन पोटेंशियल का यूज करना है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कन्वेंशन का कहना था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑलवेज डिटरमाइंड या कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे तो उसको किस टर्म में करेंगे, रिडक्शन। अगर एक डैनियल सेल का एग्जांपल हम ले लें, डैनियल सेल की एग्जांपल हम ले जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, एनोड पे क्या होता है, जिंक से जिंक आयन फॉर्म करता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किस टर्म में है, ऑक्सीडेशन के टर्म में। तो यहां जो पोटेंशियल डिटरमाइन होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिटरमाइन होगा। तो इसको हम लोगों को किस टर्म में कन्वर्ट करना होगा, रिडक्शन के टर्म में। यानी इससे भी Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक बनाएगा, इस टर्म में इसको पहले कन्वर्ट करना होगा, तब इसकी पोटेंशियल निकलेगी। इट मीन्स अगर सेल रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे, तो यानी ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब हम लोगों को करना क्या होगा कि इसको कन्वर्ट करना होगा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। और रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा ई जेड एन टू प्लस से जेड एन एंड साइन बिकम नेगेटिव। यानी अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस रिप्रेजेंटेशन में दिया है, मेटल से मेटल आयन के फॉर्म में, इट मींस कि ये इसका क्या दिया है, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। आपको उसको पहले कन्वर्ट करना होगा मेटल आयन से मेटल के फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप क्या करेंगे, जो भी साइन होगी इसकी, उसका अपोजिट साइन यहां होगा। अगर ये नेगेटिव साइन में होगा तो पॉजिटिव साइन में चेंज करना होगा, पॉजिटिव साइन में होगा तो नेगेटिव साइन में इसको कन्वर्ट करना होगा। दिस इज द वे टू चेंज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टू रिडक्शन या रिडक्शन पोटेंशियल टू ऑक्सीडेशन। समझ में आ गई बात। अब आपको क्या करना है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसी एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे, यानी वो मेटल जिसकी टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, उस मेटल को अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, रिडक्शन के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड जो होगी, वैल्यू जो होगी मैग्नीट्यूड, वो उतनी ही होगी, साइन बस चेंज हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस ई एनोड, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई कैथोड। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। और जो हम लोगों ने सेल रिप्रेजेंटेशन किया था ना, याद होगा आपको, वो जिंक से जिंक आयन लेफ्ट में था, कॉपर आयन से कॉपर राइट में था। मींस लेफ्ट में क्या थी, ये लोन से आप लोगों ने याद किया था, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है यानी एनोड होता है, और राइट में क्या होता है, कैथोड होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ई सेल आया, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है
of any cell depends on different factors. किन factors पे ये depend करती है? तो देखिए, ये depend करता है factors affecting E cell. E cell को affect करने वाले factor हैं, एक तो nature of the electrode, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कुछ इलेक्ट्रोड्स हाईली रिएक्टिव है, कुछ मेटल्स बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं, जो हम रिएक्टिविटी सीरीज में ऑलरेडी पढ़ते हैं. तो हम देखेंगे जिस तरह के नेचर का इलेक्ट्रोड होगा उसकी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग वो ऑक्सीडाइज्ड हो या रिड्यूस्ड हो, इजिली ऑक्सीडाइज्ड हो, इजिली रिड्यूस्ड हो, है ना. तो उस नेचर के अकॉर्डिंग जो है वो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो चेंज होती है. क्योंकि जहां ऑक्सीडेशन होता है, जिस मेटल की टेंडेंसी होती है टू गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलता है. और जब उसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में बाय कन्वेंशन, बाय आईयूपीएसी रिकमेंडेशन हम चेंज करते हैं, तो वो वैल्यू नेगेटिव आती है. तो मोस्टली जितने भी मेटल्स जो काफी रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव जितने भी मेटल्स आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज में देखी है, उन सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं वो नेगेटिव आते हैं. और जो भी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, उन सभी की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है? पॉजिटिव. और सबके मैग्नीट्यूड भी वेरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन. तो एक तो हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर देंगे ना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज हो जाती है. और तीसरा है कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अगर आप इलेक्ट्रोलाइट के कंसेंट्रेशन को चेंज कर देते हैं ना, तो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो चेंज होता है. तो अब आप कहिए कि मैम ये फैक्टर किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो ये फैक्टर्स पढ़ने के लिए हम लोगों को पढ़ना होगा व्हाट, हम लोगों को पढ़ना होगा नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और इसको बहुत अच्छे से समझना है. बट इन बेसिक्स को क्लियर करने के बाद हम वहां पे पहुंचेंगे. इसलिए अभी ना तो हम नर्स्ट इक्वेशन कर रहे हैं और ना ही हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ नॉर्मल जो कंडीशंस होती है उसके लिए कर रहे हैं. अब हम लोग फिर कैसे करेंगे इसको स्टडी? तो देखिए, ये जो ई सेल हमारा आया, इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन. अब क्या किया गया है कि जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, जितने भी मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन किया गया है क्या करके? कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करके और रूम टेम्परेचर को डिटरमाइन, रूम टेम्परेचर के केस में, यानी टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर के इक्वल कर दिया गया. और सारे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसके सॉल्यूशन को हम लोग एज एन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उसका कंसंट्रेशन भी हम लोग क्या करेंगे? फिक्स करेंगे. आफ्टर फिक्सिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड एट द कॉन्स्टेंट रूम टेम्परेचर, जो मेजरमेंट होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो अभी हम लोग जितना भी स्टडी करेंगे वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है. तो क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल? तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 298 केल्विन, दैट इज द रूम टेम्परेचर, ठीक है ना. यहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं लेना है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर में लेते हैं, जब हम लोग गैसियस स्टेट के न्यूमेरिकल्स को करते हैं, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस तरह के इक्विलिब्रियम वाले जो चैप्टर में आते हैं, तो वहां पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर SATP का लेते हैं हम लोग, ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. और अगर गैसियस सबस्टांस है तो वहां पे कंसंट्रेशन का मेजरमेंट पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में होता है. तो यहां आप लिख सकते हैं और 1 ATM प्रेशर, ठीक है, व्हेन
कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूनिटी, इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ई स्टैंडर्ड सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, इट बिकम ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड। तो जितने भी हाफ इलेक्ट्रोड्स है ना, चाहे वो जिंक हो, आयरन हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, मैंगनीज हो, मैग्नीशियम हो, एनी अदर मेटल इलेक्ट्रोड्स, सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड यूनिट मोलर कंसेंट्रेशन पे डिटरमाइन किया गया है। और अगर गैसीय सबस्टांस है तो 180 एम प्रेशर जो है वो लिया गया है और उस पर सबके वैल्यू को फिक्स्ड डिटरमाइन किया गया है। जैसे अगर हम ई स्टैंडर्ड जेडन 2 प्लस से जेडन की बात करें तो इसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट है, और ई स्टैंडर्ड सीयू 2 प्लस से सीयू विच इज द मेन इलेक्ट्रोड ऑफ द डैनियल सेल, इसकी वैल्यू हम लोग को जनरली याद ही रखनी होती है, बाकी आप याद नहीं करेंगे, आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगा उसमें वैल्यू दी हुई रहती है बुक्स में, और न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई होती है। तो दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मीन्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज फिक्स्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बाई टेकिंग यूनिट मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ दिस टू इलेक्ट्रोड्स, यानी इसका भी 1 एम लिया गया है और इसका भी 1 एम लिया गया है। अब आप देखिएगा, अगर यही न्यूमेरिकल ऐसा रहेगा कि ई स्टैंडर्ड जेडन ऑब्लिक जेडन 2 प्लस दिया होगा ना, तो वो वैल्यू सर्टेनली आपको 0.76 दी हुई होगी। तो जब आप न्यूमेरिकल में ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे तो कैथोड और एनोड ये आपको डिटरमाइन करने के लिए पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो लेफ्ट साइड में है सेल रिप्रेजेंटेशन वो एनोड है, जो राइट साइड में है वो कैथोड है। अगर सेल रिएक्शन दी हुई है तो जो मेटल से मेटल आयन फॉर्म कर रहा है वो क्या है, वो एनोड है, और जो मेटल आयन से मेटल फॉर्म कर रहा है वो कैथोड है। मेटल से ध्यान रखिएगा, जैसे एक जनरल फॉर्म मैं आपको लिख दे रही हूं, एम से एम एन प्लस आयन बन रहा है तो ये एनोड है, और अगर एम एन प्लस से एम बन रहा है तो लेफ्ट वाला एनोड और राइट वाला कैथोड। और अगर सेल रिएक्शन दी हुई है इस तरीके से कि एम से एम एन प्लस आयन बन रहा है तो जिसमें ऐसा हो रहा है यानी कि वो एनोड होगा, और जहां एम एन प्लस इलेक्ट्रॉन लेके एम बना रहा होगा मेटल आयन से मेटल बन रहा होगा यानी वो कैथोड। तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालने के लिए सबसे पहले कैथोड और एनोड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब अगर ना तो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना ही सेल रिएक्शन दिया हुआ है तो कैसे पता करेंगे, तो जिसका भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एनोड होगा, और जिसका भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा यानी वो रिडक्शन हो रहा होगा यानी कि वो कैथोड होगा। दिस इज द केस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए यही कंडीशन है। अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ना तो इट मे गेट रिवर्स, ये रिवर्स हो सकता है। तो आप कहिएगा मैम ये कैसे समझेंगे हम लोग, तो ये हम लोग समझेंगे वहां सेल रिएक्शन दी हुई होगी और सेल रिएक्शन दे करके आपको वैल्यूज दिया हुआ होगा और तब पूछेगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, आप इनके वैल्यू से डिटरमाइन कीजिए। तो इस चीज को करने के लिए हम लोग अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आगे पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशन में इस तरह के क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर न्यूमेरिकल जो हमारा होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे वो कैसे बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात जब आप करेंगे तो बिना नर्स्ड इक्वेशन के वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो जाए तो वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल की चेंज हो सकती है। तो हम लोग अभी सिंपल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे बेस्ड न्यूमेरिकल को पहले करते हैं। उसको करने से पहले ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझ लेते हैं, क्योंकि आपको मोस्टली जो बुक्स मिलेगी
उसमें ईएमएफ ऑफ द सेल लिखा हुआ होगा, ईएमएफ ई सेल के जगह पर, ये जो ई सेल आपका है उसके जगह पर ईएमएफ ऐसे लिखा हुआ होगा। तो क्या है ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस या क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, अगर किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस फॉर्म में दिया है, मेटल टू मेटल आयन, यानी वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, आपको पहले उसका रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में उसको चेंज करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ मेटल टू मेटल आयन का रिप्रेजेंटेशन मेटल आयन ऑब्लिक मेटल कर देना है, और जो भी साइन है अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, बस यही होती है वैल्यूज में चेंजेस। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग अभी करने वाले हैं इसमें, ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होती है वो देखते हैं। आफ्टर सीइंग दिस, आफ्टर वॉचिंग दिस, आफ्टर नोइंग दिस, हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे और तब नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ईएमएफ ऑफ सेल और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। देखिए टर्म तो फोर्स है बट ये फोर्स नहीं है, इट इज अ वर्क, इट इज अ एनर्जी। ठीक है, एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बट ये कब है, व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, यानी ये क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, यानी व्हेन द सर्किट इज ओपन, दैट इज इन ओपन सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस या द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और द सेल पोटेंशियल व्हेन देयर इज फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, मीन्स द सर्किट इज क्लोज, दैट इज इन क्लोज्ड सर्किट। दूसरी डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ईएमएफ ऑफ द सेल है, इस समय जो वोल्टेज ऑब्टेन होता है दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, द वोल्टेज ऑब्टेन इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वहां सर्किट चूंकि क्लोज होता है तो जो वोल्टेज आएगा वो थोड़ा लेस होता है, द वोल्टेज ऑब्टेन इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज। यहां जो करंट ऑब्टेंड होती है दैट करंट इज द स्टेडी करंट, इट इज responsible for the flow of steady, steady current means what, means sparkless current, spark नहीं होगी, sparking नहीं होगी। ठीक है, और ये क्या होता है, it is not responsible for the steady current। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है इसमें, जब यहां पे वोल्टेज ऑब्टेंड मैक्सिमम होगा तो वर्क जो ऑब्टेंड होगा ना वो भी मैक्सिमम होगा, और यहां जो वर्क ऑब्टेंड होगा वो मैक्सिमम से थोड़ा कम होगा। इसकी मेजरमेंट किससे होती है, तो इट इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, एंड इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। तो ये कुछ डिफरेंस हो गए आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में। तो अब यहां हम लोग चूंकि ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं और मैक्सिमम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जहां कहीं भी ई सेल निकालेंगे, ई सेल की डिटर्मिनेशन करेंगे, वो ईएमएफ ऑफ द सेल ही होगा। तो हर जगह अब हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो ईएमएफ ऑफ द सेल करेंगे।
बट अभी इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डिटरमिनेशन करेंगे, और इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पहले हम लोग SHE या NHE के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि वाई देर इज नीड ऑफ SHE और NHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि उसी के हेल्प से हम लोग किसी भी हाफ इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट टॉपिक हम लोग कर लेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके एप्लीकेशंस को। जब ये सारे टॉपिक्स हमारे हो जाएंगे तब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा हमारा नर्स इक्वेशन। तो अभी हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक नॉर्मल सा न्यूमेरिकल करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, SHE, NHE एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल को कर लेंगे। तो चलिए, दो सिंपल सा न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का होता है। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल करना होगा तो वहां नर्स इक्वेशन के हेल्प से ही हम लोग उसको डिटरमाइन कर पाएंगे। यहां आपको फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल 2+2 निकल, यानी आपको निकल इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। याद रखिएगा, जब कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन होगा वो ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होगा। दिस इज रिकमेंडेड बाय IUPAC, सो इट इज बाय कन्वेंशन, देयर इज नो एनी रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हम लोगों को कोई एक रिकमेंडेशन तो एक वेरिएबल तो लाना ही था, तो ऑक्सीडेशन को नहीं लेके रिडक्शन को ये साइन किया गया। तो आपको क्वेश्चन वन में कहता है कि यू हैव टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल फॉर निकल इलेक्ट्रोड। एंड वॉट इज गिवेन, गिवेन है आपको व्हेन द सेल पोटेंशियल मीन्स ई स्टैंडर्ड सेल इज गिवेन विच इज 0.59 वोल्ट। और क्या गिवेन है, एंड ई स्टैंडर्ड ऑफ Cu2+2Cu इज ऑल्सो गिवेन, दैट इज 0.34 वोल्ट। तो अब आप देखिए कि ये एक हाफ सेल की डिटरमाइन करनी है, दूसरे हाफ सेल की दी हुई है, पूरे सेल की भी दी हुई है। एंड व्हाट इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। बाय द सेल रिप्रेजेंटेशन वी कैन डिटरमाइन दैट विच इलेक्ट्रोड इज एनोड एंड विच इज कैथोड, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है और कौन सा कैथोड है। ये हम समझेंगे LOAN से, हमने आपको बताया था लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होती है, एनोड होता है, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो लेफ्ट साइड में हमारा निकिल है, सो निकिल इज एनोड, निकिल हमारा क्या है, एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। और राइट में हमारा क्या है, कॉपर, सो कॉपर एक्ट एज कैथोड। तो हमारा जो सेल का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल का, वो क्या है, ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड। ई स्टैंडर्ड सेल इज 0.59 वोल्ट, ई स्टैंडर्ड कैथोड मीन्स 0.34 वोल्ट एंड माइनस ई स्टैंडर्ड Ni2+2Ni। देखिए, ये रिडक्शन के टर्म में ही रिप्रेजेंटेड है, मेटल आयन टू मेटल ही फॉर्म कर रहा है, यानी ये रिडक्शन के फॉर्म में ही रिप्रेजेंटेड है। सो अगर हम ई स्टैंडर्ड Ni2+Ni को निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये इधर लेके जाते हैं तो ये 0.34 माइनस 0.59 वोल्ट होगा, और इसको सॉल्व करने पे जो आएगा दैट इज द आंसर। ये क्या आएगा आपको, माइनस 0.25 वोल्ट। सो माइनस 0.25 वोल्ट इज द आंसर, जो आपका किसका हो गया, निकिल 2+2 निकिल यानी निकिल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, Cu+Cu+ सॉल्ट ब्रिज बीच में और Ag+2Ag। सो द सेल रिप्रेजेंटेशन रिवील्स दैट Cu जो है वो आपको क्या है, एनोड है लेफ्ट साइड का, एंड सिल्वर क्या है, दैट इज कैथोड। ठीक है, आपको करना क्या है, ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल डिटरमाइन करनी है। तो ई स्टैंडर्ड सेल हमारा क्या हो जाएगा, इट बिकम ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड। कैथोड हमारा क्या है, कैथोड इज सिल्वर इलेक्ट्रोड, और सिल्वर इलेक्ट्रोड की वैल्यू है 0.80 वोल्ट।
एंड विच इज एनोड, एनोड है हमारा कॉपर, उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी दी हुई है। देखिएगा यहां ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, मेटल आयन टू मेटल के फॉर्म में ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल ही आपको यहां दिया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है, इसमें गिवन डाटा ई स्टैंडर्ड Cu(Cu2+) होता, तो आप क्या करते हैं, वो वैल्यू जरूर -0.34 वोल्ट होता। आप इसको पहले इस फॉर्म में चेंज करते हैं और 0.34 वोल्ट यानी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में उसकी वैल्यू को लाते हैं, देन यू विल पुट दिस इन दिस फॉर्मूला। क्योंकि इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही डिटरमाइन किया गया है, इस वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अदरवाइज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो सम में तो यहाँ प्लस आता ना, बढ़िया माइनस क्यों हुआ, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड है उसको हम लोगों ने रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में चेंज किया बाय चेंजिंग द साइन, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, रिडक्शन डिफरेंस के फॉर्म में आ गया। तो इन बातों को ध्यान में रख के और तब हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल को डिटरमाइन करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ वी कैन डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल। क्योंकि ये तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है, तो ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन तुरंत गेन हो गया और रिडक्शन हो गई। तो जब दोनों साइमल्टेनियस हो रहा है तो हम लोग पूरे सेल का सेल पोटेंशियल अगर मिल रहा है हम लोगों को, तो हाफ सेल का कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। हमको तो जो सेल वोल्टमीटर से वोल्टेज मिल रहा है वो तो पूरे सेल का मिल रहा है, तो हाफ सेल कैसे होगा। तो फॉर दिस हम लोगों को एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यूज करना होगा, दैट इज SHE और NHE। तो हम लोग पहले उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके 4 एप्लीकेशंस हैं, उन सारे एप्लीकेशंस को करेंगे। आफ्टर दैट हम लोगों का नर्स्ड इक्वेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप एंड तक वॉच करें और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। ओके, थैंक यू।